लोग गलत फहमी पालते हैं, मैंने गलत फैमिली पाल ली। डॉन बनेंगे, मैं भी चुप नहीं बैठूंगा, मैं किलोनी को फोन करूंगा अभी। हेलो किलोनी। यार साजन तू फॉर्मेलिटी क्यों करता है यार? मुझे पता है मेरा आइडिया काम कर गया तो थैंक यू बोलने के लिए फोन करने की क्या जरूरत है बे? इट्स ओके बडी। अबे वो मुंगेरी लाल के हसीन सपने, पूरी बात सुना कर। तो तेरा आइडिया साले भसूड़ी के खेत की तरह बंजर निकला, बंजर किसी काम नहीं आया तेरा आइडिया। अब तू जा और जाके उस सब्जी वाले बिज्जू को पकड़ ले। क्यों बे, उसने फिर से तुझे सड़ी हुई गोभी बेच दी क्या? तू लेमन चूस ले, चलती बस में मत चढ़ा कर, नहीं तो तेरे को टायर के नीचे दे दूंगा मैं किसी दिन। अले तुम क्या करना है? मैं तेरा इंतजार कर रहा हूं, तू आ। ओहो भाई, अपने फटे पुराने कुर्ते पजामे सिल लूं, क्योंकि दान करने के बाद तो यही पहनूंगा ना भाई, तभी तो होगा सादा जीवन उच्च विचार। यार ये सुई में धागा क्यों नहीं डल रहा है? पापा आप ये गलत कर रहे हैं। तो तुम ही डाल दो। Not this, पापा, मैं बिल की बात कर रही हूँ। आप हमारी सारी प्रॉपर्टी रामवती आंटी के नाम कैसे कर सकते हैं? अरे क्यों नहीं कर सकता बेटा, पढ़ा लिखा इंसान हूँ, सिग्नेचर कर सकता हूँ। इधर सिग्नेचर करूंगा, उधर प्रॉपर्टी रामवती जी के नाम हो जाएगी, सिंपल। पापा, आपने सोचा भी है कि उसके बाद मेरा क्या होगा? मैं कैसे सोच सकता हूँ, मैं तो इर्रेस्पॉन्सिबल इंसान हूँ ना। मैंने तो सिर्फ बेटा इतना सोचा है कि मैं सारी प्रॉपर्टी रामवती जी के नाम कर दूंगा, पीरियड। अगर आपने ये फैसला कर ही लिया है पापा, तो इट्स हाई टाइम कि मैं भी कुछ करूं। तुम क्या कर सकती हो, तुम्हारे पास है ही क्या? Don't laugh, पापा। मेरे पास मेरे मेहनत के कमाई के कुछ कपड़े हैं। मैं वो पैक करूंगी और ये घर छोड़ दूंगी। I'm going। संजना बेटा, बेटा देखो ऐसे मत जाओ बेटा, देखो मैं तुम्हारा बाप हूं। बस कल सुबह जैसे ही ये प्रॉपर्टी रामवती जी के नाम हो जाएगी, मैं तुम्हें खुद टैक्सी में बिठाऊंगा। बस कल सुबह तक रुक जाओ बेटा, कल सुबह तक रुक जाओ। पापा, I hate you। बेटा जो चीज रामवती जी के नाम की है वो उठा के मत ले जाना, कोर्ट में सब हिसाब देना पड़ेगा। इसका कोई भरोसा नहीं, ले भी जाए। अरे जीजी, जुए का अड्डा चलाना मारे बाएं हाथ का खेल से, इसलिए जुए का अड्डा मैं ही चलाऊंगा। साइकिल चलाना तो आती नहीं है तुझे, जुए का अड्डा चलाएगा तू? ओ संजू, हम अमीर बनने वाले हैं, अंडरवर्ल्ड में हमारा नाम होने वाला है, इसलिए तुम जल रहे हो ना? जल नहीं रहा हूँ बेबी, मैं फिकर हो रही है मुझे फिकर। ये तुम्हारा भोपू है ना, भोपू की तरह चीख चीख के सब जगह बोल रहा है ये बातें, जुए का अड्डा, दारू का अड्डा। ऐसे नहीं बोलना चाहिए यार, समझदारी की बात क्या कर, किसी ने सुन लिया तो दीवारों के भी कान होते हैं। कोई फायदा नहीं, हमने सब सुन लिया। हाँ चुप। एने तनी हुई बंदूक की नली, पूछियो रे इनसे कि बिना जान पहचान के हम पे बंदूक क्यों तान रहे हैं? आखिर ये दोनों है कौन? हम हैं सीआईडी ऑफिसर दीवार के कान। दीवार के कान? हाँ, मायसेल्फ देशपांडे कारवार, शॉर्ट में डी वार, और यह है कलीम फुरकान, शॉर्ट में के कान। तो दोनों शॉर्ट को मिलाकर फुल हुआ दीवार के कान। अब वो सब तो ठीक है कान जी, लेकिन आपने हमारे घर में आके हमारे ऊपर बंदूक क्यों तान दी? हमने उड़ती हुई चुड़िया से सुना है कि आप अपने घर में नंबर दो का धंधा कर रहे हैं। घबराइए मत, हम कुछ नहीं करेंगे। मेरा मतलब है गोली नहीं मारेंगे, अरेस्ट करेंगे। देखो जो भी कुछ कहना है जल्दी कहो, बाहर ठेला खड़ा हुआ है।
हैं? कार खड़ी होगी ना सर, आप लोग पुलिस वाले हैं। देखिए सर, मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि ये मेरे फैमिली वाले जरूर हैं, लेकिन मैंने इनको समझाने की बहुत कोशिश की कि ये गलत काम मत करो, इसमें तुम लोग फंस जाओगे, लेकिन इन्होंने मेरी बात नहीं समझी। मैं इनके साथ नहीं हूँ, मुझे अरेस्ट मत कीजिएगा प्लीज। हर स्मगलर यह करता है। मिस्टर कौन, हथकड़ी निकालो। ओके सर। सर जी, 10 किलो सब्जी के पैसे फिर मिल रहे हैं सर। कैसी बातें कर रहे हैं आप इंस्पेक्टर साहब, हैं? आप ये रिश्वत के पैसों से अपने बच्चों को सब्जी खिलाएंगे आप? ये गलत बात है। मिस्टर कौन, भाई साहब पैसे नहीं चले तो खंबा चलेगा कि? चलेगा चलेगा, खंबा चलेगा। ये लो भाई साहब। आप लोग अपने काला धंधा शुरू रखे, बेस्ट ऑफ लक, ऑल द बेस्ट। मिस्टर कान। यस सर। लेट्स गो। ओके सर। अरे सर, ऐसे कैसे कर सकते हैं, इनको अरेस्ट कीजिए आप। अरे आप वो खम्मा भूल गए क्या जिसके नीचे खड़े होकर आपने कानून को बचाने की कसम खाई थी? अरे ऐसे नहीं जा सकते आप यार, आपको देश को बचाना है। मम्मी, देश तो बच गया लेकिन जीजा शहीद हो गया। चल निकल ले, जल्दी आ जा। तुझे मना किया था ना, पर फिर भी तू नहीं माना। अब तुझे कौन बचाएगा? पापा के ऑर्डर्स फॉलो करते हुए आप मुझे ऑफिस के बाहर निकालने की कोशिश तो नहीं कर रहे? नहीं 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 मैडम, ऐसा कुछ नहीं है। वो एक्चुअली ये चेयर तो मैं गुस्से में उठा के बाहर फेंक रहा था मैडम। ये सारा सामान मेरा ही है मिस्टर साजन। कल रात मैंने पापा से झगड़ा कर दिया और मैंने घर छोड़ दिया मिस्टर साजन। मैं कल रात से यहीं केबिन में हूं। अकेले मुझे बुला लिया होता, आई मीन मुझे कहा होता आपने शिफ्टिंग में, मैं हेल्प करवा देता आपके मैडम। ये इतना धुआं क्यों हो रहा है? क्योंकि मेरे सीने में एक आग जल रही है मिस्टर सर्जन। क्या इस आग को बुझाने में आप मेरा साथ देंगे? जरूर दूंगा मैडम, पूरा साथ दूंगा मैं। ये पराठा सेकने में मेरी मदद कर दीजिए। ओह माय गॉड, इज बर्निंग मिस्टर सर्जन, डू समथिंग अबाउट इट। पराठा? यस। ओह मिस्टर सर्जन, डू यू नीड टिश्यू? नो मैडम, नो। ये टिश्यू का इशू नहीं है, ये छेदी का इशू है। मुझे पता है ये सारे अत्याचार ना आप पर वो छेदी कमीना कर रहा है। और आप क्या कर रहे हैं मिस्टर साजन? मैं पराठा सेक रहा हूँ। आप पराठा सेकते ही रह जाएंगे। मेरे पापा अपना विल आपके सासू माँ के नाम करके हरिद्वार निकल जाएंगे। अभी तो मैं सिर्फ घर से निकली हूँ मिस्टर साजन, लेकिन कल मुझे ऑफिस के बाहर निकाला जाएगा। और अगर मैं ऑफिस से निकल गई मिस्टर साजन, तो आप भी मेरी जिंदगी से निकल जाएंगे। नहीं मैडम, ऐसा मत कहिए, मैं आपके बिना कैसे रह पाऊँ? आई मीन मैं
इस ऑफिस के बिना कैसे रह पाऊंगा मैडम? आप चिंता मत कीजिए मैडम, मैं कुछ भी करूंगा लेकिन मैं इस सिचुएशन को पलट दूंगा। पहले पराठा तो पलट दीजिए, जल रहा है। कोई नहीं मैडम, आप टेंशन मत लीजिए, आप रिलैक्स हो जाइए, आप यहाँ पे बैठिए, ये मैं पराठा बना के देता हूँ, आप पराठा खाइए, इसमें से अचार निकालिए, तब तक मैं छेदी और सासू माँ की प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालता हूँ। अरे मम्मी, और कितना इंतजार करना पड़ेगा? छेदी अपनी विल कब थारे नाम करेगा? माफी चाहूंगा, मैं थोड़ा सा लेट हो गया। एक खास प्रकार का पेन है जिसको ढूंढने में थोड़ा सा वक्त लग गया। चक्कर क्या है कि वो मेरा लकी पेन है, उस पेन के बगैर मैं किसी भी पेपर पे साइन नहीं करता। क्यों? क्योंकि जब मेरी लॉटरी निकली थी तब उस लॉटरी के पैसे क्लेम करने के लिए मैंने उसी पेन से साइन किया था। और वो पेन ये है जिसे मैं अपने जिगर से लगा कर रखता हूं, और मोहतरमा के नाम प्रॉपर्टी होने के बाद इस जिगर के टुकड़े को भी मैं मोहतरमा के नाम कर दूंगा। ये सब कुछ होने के पहले मैं 2 मिनट के लिए छेदी सर से प्राइवेट में कुछ बात करना चाहता हूँ। संजय, तुम्हें जो भी बोलना है ना यहाँ बोलोगे, कोई प्राइवेट बातें नहीं होगी। इट्स ओके कश्मीरा, वैसे मिस्टर साजन प्राइवेट में बात करने वाली ही पार्टी है, इसलिए इनको इतना वक्त दिया जा सकता है। वैसे भी सारी प्रॉपर्टी मोहतरमा के नाम हो रही है तो इनको थोड़ा वक्त देने में क्या प्रॉब्लम है? यस मिस्टर साजन, कहिए क्या है? आइए सर, एक मिनट आइए। सर मैं ये कह रहा हूँ कि ये सब करने के पहले आप जरा ठोक बजा के देख लें। किसको? मेरी सास के इरादों को सर। हाँ, कहीं ऐसा ना हो कि आप तो सब कुछ उनके नाम कर देंगे पर बदले में वो आपको क्या देंगे, ये सोचा है कभी आपने? आप अपनी सारी प्रॉपर्टी उनको दे दें और फिर आप दर दर की ठोकरें खाएं, हमें तो अच्छा लगेगा, आपको अच्छा लगेगा। नहीं नहीं, आप कहना क्या चाहते हैं मिस्टर साजन? नहीं, मैं ये कहना चाहता हूँ सर कि पिछले 7 साल से पाल रहा हूँ मैं इनको, इतनी मेहनत करता हूँ, कमाता हूँ, सैलरी ले जाकर घर पे देता हूँ और ये खाती है मेरा, उसके बाद में मुझे ही काटने के लिए दौड़ती है ना? तो आप तो पराए, नहीं आपके साथ भी ये चीज़ ना हो, सोच लीजिए, फिर बाद में क्या पता धोबी का घोड़ा ना घर का ना घाट का। मिस्टर साजन, धोबी का कुत्ता होता है वो। एक्चुअली सर मैं अपने मुंह से कहना नहीं चाह रहा था। नहीं, अब आपने कह दिया तो ठीक है। नहीं नहीं, समझ लीजिए कुत्ते वाली बात आप। और इसके बाद में मैं आपको ये बता रहा हूँ सर कि इसलिए कह रहा हूँ मैं ये सब क्योंकि सावधानी हटी दुर्घटना घटी, नहीं होने से देर भली, टांगे फैलाई ना। मिस्टर साजन मैं समझ मैं अभी इनका हेलो टेस्टिंग, हेलो 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 टेस्टिंग हेलो कर देता हूँ। एक्सक्यूज मी प्लीज। हाय जूली, हाउ आर यू? हाय। वो सुबह सुबह तुम दिखाई नहीं थी। नाइस ड्रेस। थैंक यू, आपने ही तो दिया। यस। मोहतरमा। कौन, मैं या जूली? आप, सिर्फ आप। आप ये बताइए कि क्या मैं आपसे तुच्छा सा सवाल कर सकता हूँ? तुच्छा सवाल तो नवाब साहब पूछा करते थे, आप भी पूछ लीजिए, मैंने कब रोका है? शुक्रिया। मोहतरमा ये बताइए कि सब कुछ दान करने के बाद जब हम बेघर हो जाएंगे तब क्या आप अपने घर में हमें जगह देंगी, हमें खाना बनाकर खिलाएंगी? अरे छेदी जी के सवाल जवाब दे इन्हें कि हम इन्हें अपने घर में तो क्या अपने दिल में जगह देंगे और हम इन्हें खाना बनाकर नहीं खिलाएंगे, हम इन्हें अपने हाथों से खिलाएंगे और जब इन्हें नींद नहीं आएगी ना तो हम ना सारे के सारे मिलकर इन्हें लोरी गा के सुला देंगे। अरे मम्मी अब तो तू रुक जा, एक सवाल के 10 जवाब क्यों देख रहा है तू? जितना पूछा जावे ना उतना ही बोले कर। बस मोहतरमा बस, अब हमें और कुछ नहीं पूछना है। अब ये प्रॉपर्टी आपकी हुई और ये जिगर का टुकड़ा
कहते छेदी जी से, हमें ये संजना अब यहाँ नहीं चाहिए। मतलब सर जी बात ये हो रही कि मम्मी के कहने का मतलब ये है कि मैडम जी को ना ऑफिस खाली करना पड़ेगा। और वैसे भी वो नकचड़ी मैडम ना हमें पसंद नहीं है। मैडम जी सैर से ऑफिस खाली कर दो। बिल्कुल नहीं चूसू। तभी से बात कीजिए, संजना आपकी बॉस है। सर जी होल्ड ऑन फॉर अ सेकंड, बॉस है नहीं, बॉस थी। हाँ अब प्रॉपर्टी हमारे नाम पे है और यहाँ के बॉस हम हैं। इब चाहे आप चश्मा पहनो या चाहे उतारो, हमें कोई फर्क नहीं पड़े। How dare you, Mr. भूपेश? आपकी हिम्मत कैसे हुई पापा के साथ ऐसे बदतमीजी से बात करने की? मैडम जी बात यह हो रही कि हमारे जैसा अमीर आदमी ना किसी के साथ भी बदतमीजी कर सके है, और छेदी जैसे गरीब आदमी के साथ तो 100%। Stop it, Mr. भूपेश, अगर आपने एक और वर्ड मेरे पापा के खिलाफ कहा तो I'll scratch your face. पापा अमीर हो या गरीब, he is my hero, वो हमेशा मेरे लिए हीरो हैं। You better be aware, Mr. भूपेश। देखा छेदी जी, जब आपको कुछ बोला गया तो संजना को कितनी तकलीफ हो रही है, और जब संजना को कुछ बोला जाता है तो आपको तकलीफ होती है। आप दोनों कितना भी झगड़ लो, प्रॉपर्टी का बंटवारा कर लो, लेकिन एक बाप से बेटी को कोई अलग नहीं कर सकता, और ये चंद कागज के टुकड़े भी नहीं। मम्मी और भोपू ने मिलकर ये सब ड्रामा किया था आप दोनों को मिलाने के लिए। अब गले लग लीजिए। हटिए। I love you, बेटा। I'm sorry, papa. I love you more. I love you, तो नवाब साहब के। अरे नवाब साहब को गोली मारी है, लेकिन आपने जिस तरीके से हम बाप बेटी को मिलाया है, इस अदा पर हम आप पर फिदा हैं। यार भोपू, प्लीज मुझे माफ कर दे। जी जा, जा, तने माफ करा, जी ले अपनी जिंदगी। वैसे मैडम जी, आपको हमारा आइडिया कैसा लगा? जबरदस्त था ना? अब हमारी प्रमोशन तो पक्की है ना? एरी कश्मीरा, इस भोपू को समझा नहीं है, सारा क्रेडिट खुद ले रहा है। ये आइडिया मेरा था, इसलिए तारीफों के पुल भी मेरे लिए बनने चाहिए। अरे मम्मी, इस उम्र में झूठ बोल रही तू, तने शर्म नहीं आवे है? आइडिया मारा था। अरे कश्मीरा, देखना बापू मेरे आइडिया को अपना आइडिया बता रहा है। मम्मी मैं फिर से कह रहा, आइडिया मारा था, मैं अपने क्रेडिट में से ना तने एक आना नहीं दू। अरे छेदी जी के लकी पेन, कह दे रे छेदी जी से कि अभी के अभी वकील बुला है, और मैं अपना वसीयत बनाना चाहती हूं। मने नहीं चाहिए थारी फूटी कौड़ी, नहीं चाहिए। काश ये दोनों ऐसे ही लड़ लड़ के यही मर जाए, स्यापा ही खत्म है कि नहीं? आइए आइए मिस्टर साजन, आइए आइए मिस्टर साजन, आज आप मेरे पूरे घर की सफाई करेंगे, मतलब सफाई करने में मेरा हाथ बटाइए। सर माफ कीजिएगा, मैं ऑफिस के कामकाज के लिए हूँ सर, मैं आपके घर का रामू काका नहीं हूँ। मिस्टर साजन इग्नोर्ड। मिस्टर साजन आप ऑफिस में अगर काम नहीं आते तो कम से कम मेरे घर के कामों में काम आ जाइए। ऐसी बात नहीं है सर, मैं दिन भर ऑफिस की फाइलों पर सर पटकता हूँ सर। आप ऑफिस की फाइलों पर सर पटकते हैं फिर बेहोश हो जाते हैं? नहीं सर ऐसी बात नहीं है सर, इतनी मेहनत की तब जाके तो आज मैं इस मैनेजर की पोस्ट पे आया हूँ ना सर, वरना मैं भी प्यून नहीं होता छेदी की तरह। छेदी कम से कम ऑफिस में चाय तो बनाता है, लेकिन आपने तो आज तक किसी को नींबू पानी भी बनाकर नहीं पिलाया। लेमन चूसने के लिए भी आप छेदी से कहते हैं। सर मैंने आपकी कंपनी के लिए अपने आप को नींबू की तरह निचोड़ दिया सर, सारा लेमन जूस निकल के बाहर आ गया अंदर से, अब सिर्फ कड़वाहट रह गई है मुझ में। मिस्टर साजन चुसा हुआ कड़वा नींबू किसी काम नहीं आता, उसी तरह आप भी किसी काम नहीं आ रहे, कम से कम मेरे घर के काम तो आ जाइए। आप ये काम करेंगे या नहीं? कभी नहीं।
तो ठीक है, आपको नौकरी से निकाला जाता है।